हेलो फ्रेंड्स, नियमित मोमेंट किचन में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने पकोड़े तो बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज हम आपको बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बिस्किट पकोड़ा बनाना सिखाएंगे। तो चलिए हम इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने आलू का मसाला तैयार कर लिया है। ये आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी वीडियो का। ये ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, ये मैदे का घोल, ये मैंने 3 स्पून मैदा लिया और उसमें फिर पानी मिलाकर ये हमने तैयार कर लिया, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रहनी चाहिए। ये हमने 50-50 बिस्किट लिए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। हम पहले एक बिस्किट लेंगे, उसके ऊपर जो मसाला है वो हमने लगा लिया है। अब हम दूसरा बिस्किट लेके इसको कवर करेंगे, और साइड से अगर हमें लग रहा है कहीं गैप है तो वहाँ पे भी आलू की फिलिंग हम डाल देंगे। ये देखिए इक्वल हो गया ये अब हर जगह से। अब हम इसे मैदे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम में डाल देंगे। ये देखिए हमने अभी सारे तैयार कर लिए हैं, अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बिस्किट पकोड़ा बनकर तैयार है। ये बहुत ही क्रंची बनता है खाने में और टेस्टी लगता है जब हम इसे स्नैक टाइम पे खाते हैं चाय के साथ। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।